हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूको बैंक के शेयर के ऊपर। यूको बैंक के शेयर में अगर बात करेंगे तो कंटिन्यूसली हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रहा था। स्टॉक जो है 24 के लेवल से एक अच्छा बाउंस बैक भी किया, बट आज के सेशन में वापस से इस स्टॉक में हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रहा है। अब इस स्टॉक में हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात, अगर हम लोग बात करेंगे तो 23 to 25 ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जहां पे कि स्टॉक आपको रिसेंटली बाउंस भी लिया है। अगर ये लेवल ब्रेक डाउन हो जाता है डाउनसाइड में, 23 के लेवल के नीचे स्टॉक सस्टेन कर जाता है, तो फिर आपको इस स्टॉक में 20 का लेवल देखने को मिल सकता है। अपसाइड में कब स्टॉक मूव करना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो क्लियरली आपको दिख रहा है जो स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के, मैं वापस से ड्राइंग को क्लियर करके ड्रॉ करता हूं जिससे कि आपको बेटर क्लियरिटी मिलेगा। तो यहां पे अगर हम लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉक क्लोज नहीं देता है, डाउन साइड में स्टॉक 23.5 से 25 के लेवल पे सपोर्ट ले रहा है और अप साइड में स्टॉक जो है इस ट्रेंड लाइन से रेसिस्टेंस ले रहा है। जब तक स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके अप साइड में आपको क्लोज नहीं देता है, इस स्टॉक में हम लोगों को अप साइड में एक अच्छा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा और सभी पीएसयू बैंक में हम लोगों को ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे और वेट करना होगा। इनकेस अगर आपको यहाँ पे पोजिशन लेना है तो बेटर है वेट कीजिए ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का। ट्रेंड लाइन के अगर ब्रेकआउट का वेट करेंगे तो यहाँ पे आपको बेनिफिट होगा, जो आपको क्विक प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि ये टेक्निकल ब्रेकडाउन ब्रेकआउट होगा तो उसके बाद जो है आपको काफ़ी सारे बायर्स इस लेवल को देख रहे होंगे और जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे जो है काफ़ी सारे बायर्स आपको जंप करने वाले हैं, जिससे कि आपको इमीडिएटली यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। पहला टारगेट 33 का और दूसरा टारगेट रहेगा 38 का। डाउन साइड में आपका एस एल रहेगा 23.5 का, तो ऑलमोस्ट जो है 2 to 3 points का आपका एस एल रहेगा और अपसाइड में जो है आपको 7 to 8 points का पहला टारगेट रहेगा और उसके ऊपर जो है 13-14 points का आपका दूसरा टारगेट रहेगा। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।